देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले से है। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस को लेकर BSDC संस्था चानन में केंद्र पर तिरंगा लहराने का काम किया गया। शिक्षक जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में कहा कि हमारे देश के लोगों को यह पता है कि हमें आज उन शहीदों को भी याद कर नमन करना है जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया है। हमें आज़ादी मिलने और उसे दिलाने वाले को कभी भूलना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि लोगों को इस झंडे के प्रति समर्पित होकर देश के प्रति समर्पित होना चाहिए जिससे हमारा देश संसार में अन्य देशों से आगे की ओर अग्रसर रहे। एक तरफ जहां सरकार का हर घर तिरंगा की बात सामने आया तो लोग आखिर इसे मनाने के लिए अपने देश के प्रति सजग कैसे नहीं होते। लोगों के घरों पर तिरंगा बड़े सम्मान के साथ लहराता दिखाई दिया। झंडोत्तोलन के कार्यक्रम के उपरांत राष्ट्रीय गीत और उसके उपरांत अलग अलग तरीकों से लोगों ने आए हुए लोगों को अभिवादन स्वरूप किस तरीके से भारत की आज़ादी हुई और कैसे हमें अपने भारत को आगे ले जाना है बताया गया। इस दौरान सेंटर के शिक्षक राहुल कुमार, प्रीति कुमारी, सिमरन कुमारी, राजनंदिनी कुमारी, मनीष कुमार, थाना अध्यक्ष उर्विकांत कच्छप, प्रखंड प्रमुख रंजू देवी, प्रखंड उप प्रमुख विजेंद्र महतो, पंचायत समिति बेबी देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया कुमारी, प्रखंड BPRO मोनिका सिन्हा, पंचायत समिति निरंजन पासवान, पंचायत प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर विजेंद्र कुमार संघ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग लोग मौजूद हुए। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मैडम, कौशल विकास केंद्र में आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर झंडोत्तोलन किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैं यही कहूँगी, सबसे पहले तो सबको इंडिपेंडेंस डे का बहुत शुभकामनाएं दिन और यहाँ पे हर साल ये इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और बच्चे लोग को, मैम लोग, सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सर, आपके केंद्र में आज 15 अगस्त को लेकर झंडोत्तोलन किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये देश का बात है तो इसमें कहना नहीं, सभी को पता है और हम लोग को आज़ादी मिला है तो इसमें बेटर है कि हमें करना बहुत जरूरी होता है। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ये आकांक्षा है कि इस मौका को छोड़ना नहीं चाहिए और सब लोग मिल के करें तो और बेटर हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार।